ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगोरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ असतो सद्गमय

सरभ्यो नम दणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हादम स्वागत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य द्वितीय अध्याय चतुर्थः पाद लाइव कक्षा संख्या सात सेवंथ ख को पढ़ेंगे सातवीं कक्षा को मैंने गत कक्षा में पढ़ा दिया है आपको और ये उसी का पार्ट है दूसरा पार्ट ठीक है तो सात ख को आज हम पढ़ेंगे चलिएगा तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक कंप्लीट करा दिया था बहुलम छंदसी बहुलम छंदसी तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था ठीक है ये यहां तक हो गया था ये ठीक है सिद्धि आदि सब मैंने आपको करा दी थी घस्ताम और आदि सभी हमने कर ली थी है हमारा लिट्यन्य तरस्याम दो चार चालीस सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम अन्य तरस्याम अव्यपदम अनुवृत्ति आदा घास धातु के इनकी अनुवृत्ति है और समास इसके अंदर कुछ भी नहीं है यहां पर ये यह ध्यान देंगे एक अन्य तरस्याम शब्द ये बार बार आता है मैं बार बार बीच में बताता रहता भी हूं आपको अन्य तरस्याम जो शब्द है वो एक शब्द अव्यय भी है एक अव्यय है ऐसा का ऐसा ही और एक दूसरा शब्द होता है अन्य माने अन्यतरा अन्य तरह का सप्तमी एक वचन में तो मुख्य रूप से यहां पर सूत्रों में जो रखा गया है वो अव्यय पद रखा गया है ठीक है आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इसको सप्तमी व्यक्ति एक वचन भी ऐसा ही बनता है अन्य तरह का ठीक है तो ये वस्तुता क्या है अन्य तरस्याम ये पद है ठीक है चलिएगा अर्थ देखते अर्थ लिटी पर तो दो अन्य तरस्याम घसले आदेशो भवति कहते लिट के परे रहते लिट प्रत्यय के परे रहते अध वो विकल्प करके घसले आदेश होता है ठीक है इलिट के परे रहते कहते हैं इलेट के परे रहते दो रूप बनते हैं ठीक है उदाहरण हो, ये तो घसले आदेश हो गया है उस पक्ष के ठीक है ये लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन का दिखा दिया है ठीक है पक्षे पक्ष में आद आदतोह आदोहो ठीक है ये आदा आधा तो आदो जब आदेश नहीं हुआ है तब के हैं ठीक है अब यहां पर देख लेते हैं इनकी सिद्धि ठीक है सिद्धि में आपको शॉर्टकट में बता दूंगा हमने इसकी सिद्धि एक बार पहले कर ली है जक्षतु हो और जक्षु की सिद्धि हमने की हुई है ठीक है पर बहुत पहले की थी कब की थी हमने यहां पर गुरुजी ने लिखा है परिशिष्ट एक एक सत्तावन प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सत्तावन में सूत्र में हमने ठीक है की, थी। की सिद्धि देखें वहां पर अब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे वहां से सहयोग लेंगे ठीक और जघास में अनल के परिरहते रहते से वृद्धि हो गई है यही विशेष है तो जघास हम बाद में देख लेते हैं पहले इन दो को देख लेते हैं ठीक है फिर मैं जगास की भी बता दूंगा ठीक है तो आइएगा मैं सिद्धि को आपको आवृत्ति करा देता हूं जो हमने पहले पढ़ी थी यहां पर ये इसमें आई थी यहां पर ठीक है ये स्थानीय वादेश नल विधाऊ और दुर्वचनेची ठीक है तो स्थानीय वादेश नल विधाऊ का ये उदा मुख्य रूप से था ठीक है ये देखिएगा यहां पर दिखाया जतुम ने उन दोनों ने खाया ये चर विधि है आ, ये आपका दुर्वचन वर्य लोप इत्यादि सूत्र है थानी नल विदाऊ और दुर्व पूर्व दौ न पदांत दुर्वचन वरे लोप स्वर अनुस्वार जश्चर विधिषु उस सूत्र का उदाहरण है ठीक है तो हम अब उस सूत्र को यहाँ पर घटाने की चर्चा नहीं करेंगे मुख्य रूप से हमें ये सूत्र का कार्य देखना है सिद्धि तो आपको मैंने वही करा दी है ठीक है चर विधि का ये उदाहरण है वहां पर तो अधातु है भूवादय धातुवा परोक्षे लिट लिट होता है प्रत्यप्रश से परे हो जाएगा लिट ठीक है

से अर्ध के विषय में ये हम काम कर रहे हैं अभी तो लिटन तरस्याम से क्या लिट के परे रहते विकल्प करके घसली आदेश हो जाता अद को ठीक है जिस पक्ष में आ आदेश होगा घसली हो गया, गया अनेकाक्षत सर्वस्य और उसके आगे ये देखिएगा ये हो गया घसली और इसकी संज्ञा हो जाएगी घा ये घस बचेगा ठीक है यहां पहले कर दें आ,

वो सारित्यवादी उत्पत्ति के सभी सूत्र लगाएंगे आप मन में तस हो गया तस को क्या होता है परस्मय पदानाम अणल अतुष थल आदि सूत्र से क्या हो जाता है यथा यथासंख्य करके तस को आ, लिट लकार में परस्मय पर संज्ञक तस जो है उसको अतुष आदेश हो जाता है तो अतुष हो गया ये अब यहाँ पर असंयोगाल लिट कित क्या असंयोगाल लिट कित असंयोगान असंयोगता धातु उत्तरा उत्तर उत्तर लिट आ, अपित लिट कित भवती ठीक है तो ये क्या है अपित है ये ये अपित है तो ये भी अपित है तो लिट कितवत हो गया इस सूत्र से और कितवत होने से यस्मात प्रत्यय विधिष्ठ प्रत्यय अंगम और अंगस्य अंगस्य अधिकारी किम गामा हाना जाना खन घसाम लोपाह नित्य नंगी ये छह चार अठानवे का सूत्र है देख लीजिएगा ये क्या करता है यहाँ पर गमहाना जाना इसमें पड़ा हुआ है ठीक है घस पड़ा हुआ है तो क्या है घस की उपधा को आजादी कित प्रत्यय के परे रहते लोप होता है तो यहां पर उपधा का लोप हो गया के लोप हो गया ये लोप हो गया अब ये बना ठीक है अब हमने जो हमारा जो मुख्य काम था वो तो यहीं पर घटित तो हो गया जो जो हम पढ़ रहे हैं तरस्याम पर आदेश हो गया बस बाकी की सिद्धि ये मैं आपको आवृत्ति करा देता हूं मोटी मोटी ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर क्या है लिट्टी धातो रनभ्यास एकाचो द्वे प्रथम से क्या हुआ घस घस धुप्त हो गया और दुर्वचने ची लग करके ये क्या हो जाएगा घस घसा ऐसा अजादेश स्थानीवत हो जाएगा आजादी से स्थानीय तो हो गया हमारे जब तो करेंगे तो ये आ यहाँ पर तो लोप हुआ था वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आ घस है अतुस पूर्व भ्यास अभ्यास हो गई इसकी अलादी ही शेषाह लग करके क्या बन जाएगा झ जा बन गया अभ्यासी चर्च लग करके इसको क्या हो गया झ को ज जा हो गया अभ्यास में ज जा ऐसा जा बन गया ठीक है और देखिएगा अब यहां पर खरीचा से घा को चर प्राप्त हुआ गा माने इसको खर् के परे रहते इसको झल को चर प्राप्त हुआ पर क्या है गम हन जन खनशम से आकार का लोप हुआ था वो स्थानीयत हो जाता है स्थानीयत हो जाता है स्थान विदाऊ से तो स्थानीयत हो जाता है तो चर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता है फिर क्या है अनल विदाऊ माने इसमें क्या है अनल विदाऊ से क्या है? हो जाएगा अर्थात में नहीं होगा, तो फिर खरीच फिर प्राप्त होने लगेगा, द्वारा अच्छा इससे पूर्व में घाको तो पूर तो पूर काम कर रहे हैं खरीच लगा करके तो क्या हो जाएगा वो स्थानीव हो, हो जाएगा तो फिर खरीच नहीं लगेगा फिर द्वारा एक तीसरा सूत्र आ गया अंत में न पदांत दुर्वचन वर्य लोप स्वर सवर्ण अनुस्वर जर विधिशु इसमें क्या चर विधि करने में आ अच्छा अर्थात स्थानीव नहीं होगा ठीक है हो चर विधि में स्थानीव का निषेध हो गया माना स्थानीवत नहीं होगा तो स्थानीव माना इनमें तो तब होकर के क्या बन जाएगा ये खरीचा लग जाएगा तो चरत्व हां चर विधि में स्थानीव का निषेध हो गया मच्छर विधि है उसमें स्थानीय माने स्थानीय दौ से अच्छा पूर्व रू से जो प्राप्त कराया था स्थानीय उसका निषेध कर दिया अर्थात नहीं होगा तो अब नहीं होगा तो ऐसा मिल जाए का हो जाएगा खरीचा से का जा, का, सा, अतुस, शासी वसी घसी नाम ठीक है इससे क्या हो जाएगा ये घस है घस के स को मूर्धन्य हो जाएगा तो जक्ष जा विसर्जनीय होकर के जक्ष ठीक तो, है अभी मुख्य रूप से मैंने वहां पर विस्तार से समझाया ये सूत्र आपको वहीं समझने होंगे ठीक है अभी तो मैंने आवृत्ति मोटा मोटा बोल दिया है वहां के जो तीन सूत्र तीन सूत्र है पदान्त दुर्वचन लोप स्वर स्वर्ण अनुस्वर देश तीनों सूत्र क्रम से जो तो अंतिम वाला सूत्र है वो चर विधि में स्थानीव का निषेध कर देता है बस इतना मोटा सा सार है ठीक है तो ये बनेगा जक्षतु इसी प्रकार से यहां पर आपको जक्षु की सिद्धि भी कर लेने जक्षु में क्या है सारी प्रक्रिया यही है जी आएगा क्या आएगा जी, जी को परस्पर पदाना मनला मन अतु से क्या हो जाएगा उस हो जाएगा बस उस हो जाएगा तो जक्षु बन जाएगा बाकी सब समान है ठीक है अब हमारा आ गया जगहास जा... क्या है घास अब आप जघास आराम से समझ जाएंगे आप कोई परेशानी नहीं है आपको जघास में क्या है आपका घस आदेश हो गया इस सूत्र से लिटके पर रहते हम मान लेते हैं घस आदेश हो गया घसली घस बचा और यहां पर क्या है तिप तिप को क्या हो जाता है परस्मयी पदानाम अणल अतुस आदि सूत्र से क्या हो जाता है इसको अणल हो जाता है क्या हो जाता है बोलो अणल ये ऐसा आदेश हो जाता है एक संज्ञा हो जाती है क्या बचता है अ तो क्या बनाइए ऐसा बना अ बच्चा ये आपका ठीक है अब देखिएगा अब यहां पर क्या है यहां पर जो हमने अभी जक्षतु जक्षु में जो गम हन जन आदि लगाया था लिट आदि लगा लिट कित आदि लगाया तो वो नहीं लगेंगे ठीक है वो नहीं लगेंगे इसमें क्योंकि वो असंयोग लिट कित क्या अपित अपित लिट को यह क्या है पित था ये के स्थान में हुआ पित है। तो वो नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा तो गामा हान जन भी नहीं लगेगा तो उपदा आदि का लोप नहीं होगा और उपदा आदि का लोप भी नहीं होगा तो स्थानीवा देशो नल विध से केवल स्थानीव माना जाएगा ये बस ठीक है अच्छा परस्विन पूर्व विध और न पदान्त दुर्वचन भर लोप आदि नहीं लगेगा केवल स्थानीय आदेश सूत्र लगेगा स्थानीव होकर तो धातु माना जाएगा उत्पत्ति हो जाएगी उसकी और ला इस सूत्र से क्या हो जाएगा विकल्प से आदेश हुआ वो सारी प्रक्रिया हो जाएगी अब यहाँ पर क्या है वही लिटी धातु एकाच प्रथमस्य तो हम यहाँ पर घस घस कर लेंगे इसको ठीक है घस घस पूर्विशाह हो जाएगा ठीक है और अभ्यासे चर्च से इसको क्या हो जाएगा ज जा हो जाएगा सारे सूत्र लगा लेंगे क्या हो जाएगा ज जा। ऐसा ज जा। जा पूरा है ठीक है ज और अब यहां पर ये इण प्रत्यय इण प्रत्यय होने से क्या है अत उपधाया है क्या लिखा हुआ गुरु जी ने घास में अनल के होने से अतधाया मान उपदायी प्रत्येपरता अंग ह्रस्व कार से वृद्धि बवती वृद्धि आदेश स्थानांतरतम लग करके क्या हो जाएगा जघा जा ऐसा हो जाएगा मिला देंगे जघास बन जाएगा कोई विशेष नहीं है सामान्य अब जिस पक्ष में आदेश नहीं होता है उस पक्ष में हमको ये देखना है उस पक्ष में ये देखना है चलिए ठीक है अब ये तो कंप्लीट हो गया ध्यान देंगे इनकी सिद्धि तो हमने पहले भी कर ली थी अब दोबारा भी आवृत्ति हो गई लिट अन्य में आपको अब अच्छी प्रकार से समझ में आ गया लिट के परे रहते आर धातु वो आर धातु को लिट के परे रहते विकल्प करके घसली आदेश हो जाता है तो घसली पक्ष के ये है जिस पक्ष में आदेश नहीं होता उस पक्ष में बनते हैं रूप आद आदतु आदुहु ठीक है क्या समझ लीजिएगा सरल है बिल्कुल ये यहाँ पर आप दातु है आपकी अब आप यहाँ पर लिट आ गया आपका ठीक है इस सूत्र से विकल्प करके आदेश नहीं हुआ है लिट के स्थान तिप आ जाएगा तिप के स्थान में अणलतु से जाएगा सारी प्रक्रिया पूर्व कर लीजिएगा ठीक है बाकी के दूसरे सूत्र नहीं लगेंगे जो आ, नहीं आप सारे लगा दें गम हाना जाना आदि कुछ ऐसा नहीं लगेगा इसमें अब ठीक है ये अद हो गया और ये तिप, तिप को अणल हो गया इसका अब अच्छेगा ठीक है ये अब अच्छा इसका अब यहां पर हम करेंगे द्वित्व लिट्टी धातु रनभ्यास्यो प्रथम से लग जाएगा आचो तो, तो प्रथम से जहां आधा आधा हो जाएगा शेषा आवचा ठीक है तो अब हमारी क्या स्थिति हो गई करने के बाद में ये ये अभ्यास का और और ठीक है अब यहां पर एक सूत्र यहां लगता है ध्यान देंगे जो तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूं यहां एक सूत्र लगता है अत आदे ही। चलिएगा सूत्र देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा सूत्र लगता है ये ये आपके अध्याय के चौथे पाद का सत्तरवा सूत्र है इसको ध्यान रखेंगे इसको बिना लगाए भी आप सिद्ध कर सकते हैं परंतु नहीं कहीं पर दोष आता है इसलिए ये यहां पर भी लगेगा ये सूत्र है अतादेह ये कहता है आपका अभ्यास आदे, आ, आदे 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 अकार से दीर्घो लिटी ये क्या है अभ्यास क्या है? अभ्यास में वर्तमान जो ह्रस्व आकार या ह्रस्व कार है यहा ठीक है ह्रस्व आकार को क्या हो जाता है दीर्घ होता है क्या होता है दीर्घ होता है अब हमारा क्या था ये अभ्यास ये था और ये धातु थी और ये धातु थी ठीक है और ये आता आता अब क्या कर दिया इसको इसने दीर्घ कर दिया आ ठीक है और यहां पर क्या है तो उपधाया से वृद्धि हो गई पूर्व के समान तो यहाँ वृद्धि हो गई तो आ अब आकाश सवर्ण दीर्घा लग गया आकाशवर्ण दीर्घ इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो आ बन जाएगा तो आद बन गया ऐसे बनेगा क्या बनेगा ऐसे बनेगा ये जो सूत्र है ये क्या है अतो गुणे इति पर रूपत्व प्राप्ति तदप्वादो दीर्घत्व विधीये यहां पर क्या है अतो गुणे लगने लग रहा था कैसे लगने लग रहा था ये हृस्व था और ये इसको वृद्धि नहीं हुई थी वृद्धि बाद में होती है वृद्धि नहीं हुई थी तो यहां पर इसको अतोगुणे लग जाता क्या लग जाता अतोगुणे अतोगुणे लग जाता मान लीजिएगा यहाँ पर आपका अतोगुणे लगा दिया हमने अतोगुणे लग करके ये आ हो जाता बाद में वृद्धि हो जाती वो भी आध आध बन जाता परंतु ये आदतो बन जाता हर हालत में परंतु ये नहीं बनता आपका आदत हो ये नहीं बनता ये नहीं बनता तो कहते हैं कि यहाँ पर अत आदे मन अभ्यास के आकार को यहां पर अतो गुणे लग करके क्योंकि अतो गुणे सूत्र है आकाश आकार दीर्घ का अपवाद है ठीक है तो यहाँ पर ये क्या बन जाता, जाता? तो है यदि गलत है तो ऐसा तो परेशानी है वृद्धि तो कर देंगे परंतु यहाँ तो वृद्धि प्राप्त नहीं है यहाँ तो क्या है? ये क्या है इणित और इणित नहीं है प्रत्यय तो ये बन जाए और ये नहीं बने इसलिए अतादे हमको लगाना पड़ता है यहाँ पर और बाकी का समान है और कुछ इसमें विशेष नहीं है और आदतुह इसी प्रकार से आद के समान यहाँ पर आतु तो आ जाएगा आदतु बन जाएगा यहाँ पर झी के स्थान में उस आ जाएगा आदहू बन जाएगा ठीक है सिद्धियों की कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी थोड़ी सी शॉर्टकट थोड़ में लिख करके सूत्र जितने अधिक से अधिक सूत्र होते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूं ठीक है आप सभी के पास में पुस्तकें हैं सभी लिखी गई हैं, आप उनको समझें सूत्रों को समझाने का काम मैं कर रहा हूं ठीक है तो क्योंकि पुस्तक देख करके भी सूत्र समझ में नहीं आते हैं। टीचर का यही काम तो होता है तो ये आपका कंप्लीट हो गया है हमारा ठीक है अब आगे की कक्षा आठ में हम पढ़ेंगे आगे का सूत्र है हमारा वे वाई ही ठीक है, सूत्र तो छोटा सा है परंतु इसके अंदर सिद्धियां तो पूरी कक्षा एक इसके लिए हमको बनानी पड़ेगी पूरी अलग से एक बड़ी कक्षा बनेगी लगभग एक घंटे की तो फिर हम आगे की कक्षा में इसको पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा ये, ये सिद्धियां जरूर करनी पड़ेंगी आपको क्योंकि सिद्धियां आपको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आगे आपको धातु पाठ पढ़ना है क्या पढ़ना है जान आपको आगे ये पढ़ना है धातु पाठ धातु पाठ के अंदर ये सभी धातुओं की सिद्धियां आपको करनी पड़ेंगी रूप चलाने पड़ेंगे मैं स्वयं चलाऊंगा रूप मैं अभ्यास कराऊंगा आपको ठीक है तो इन धातुओं के रूपों की सिद्धि करने के लिए आपको पहले अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं और धातुओं के रूप तभी आप बना पाएंगे जब आपको ये सभी सिद्धियां ठीक से याद होंगी ठीक है तो ढाई हजार धातु ये दो हजार धातुओं के रूप भी हम पूरा इसका भी एक अलग से कक्षा चलेगी बाद में पहले प्रथमा प्रथमावृत्ति पढ़ने के बाद ठीक है चलिएगा तो आगे चलते हैं आगे की कक्षा में मिलते हैं तो ये हमारी कक्षा सावंत सातवीं कक्षा ख पूर्व वाली कक्षा का ही ये पाठ है एक तरह से ठीक चलिएगा सर्वेभ्यो नमः